अस्सलाम वालेकुम कुक विद शिरानी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ पाउंड केक की, नट्स वाला पाउंड केक। आपकी मर्जी, आप प्लेन बनाएं, नट्स वाला बनाएं, ये चाय के साथ सर्व किया जाता है, बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। हम होम शेफ हैं, कोई बड़े शेफ तो है नहीं। YouTube वालों ने हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, हम अपने ख्यालात का, अपने टैलेंट का इजहार करते हैं। आप भी एक दूसरे से देख के सीखते रहते हैं। ये वैसे अगर ट्रे में बनाएं तो भी अच्छा बनता है, पाउंड केक की तरह बनाएं तो भी अच्छा बनता है। मैं आज पाउंड केक बनाऊंगी। इन दो सांचों का मैंने लाइन अप करके रख दिया है दो पाउंड केक के सांचे, ठीक है जी। इधर एक कप घर की चीनी मैंने पीस के रख दी है, चार अंडे मैंने इधर खोल के रख दिए हैं, एक कप इसमें जाता है ऑयल, वैसे इसमें बटर जाता है, आज मेरे पास बटर नहीं था तो मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं बटर टेस्ट के लिए डालूँगी। और ये सारे वाले नट्स मुझे अच्छे, जो मेरे पास पड़े थे मैं उन्हीं नट्स के साथ जो है ना पाउंड केक अपनी क्रिएशन के साथ बनाऊँगी, आप देखना। फिर मैं आपको काट के दिखाऊंगी, शाम की चाय में सर्व करूंगी समोसे, और कुछ मेरे गेस्ट भी आ रहे हैं तो मैं सबके साथ ये आज मिलके शेयर करेंगे। शाम की टी में फिर मिलेंगे। अभी मैं केक बना, कप चीनी घर की आम पिसी हुई, इसमें एक एक करके अंडा डालते जाएंगे और बीट करती जाऊंगी, इसे फ्लफ। ये देखें, बिल्कुल मैंने इसे फोम की तरह क्रीमी सा बना लिया। चीनी, एक कप चीनी और चार अंडों को। अब एक कप मेरे पास ऑयल है, इसे ऐसा ऐसा डाल के मैं बीट करती जाऊंगी और दो टेबलस्पून भर के इसमें मैं बटर डालूंगी, तीन टेबलस्पून मैं इसमें दूध डालूंगी, ठीक है जी। इसमें मैं डालूंगी वनीला एसेंस, थोड़ा सा, एक दो ड्रॉप, ज़्यादा नहीं, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ये डेढ़ कप मेरे पास मैदा है, इसमें मैंने ये वाला डेढ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है और चुटकी भर नमक मज़ा खोलने के लिए वो डाला। अब इसे मैं सेव करती जाऊँगी और मैं मिक्स अब स्पैचुला के साथ करूंगी, अब मैं मशीन नहीं चलाऊंगी। ज्यादा मशीन चलाने से फिर ये फ्लफी नहीं होता, इसे पहले गोल फिर कट, गोल फिर कट, इस तरह घुमा के बना स्पैचुला के साथ। अब मशीन की जरूरत नहीं। ये मिक्स हो गया अच्छी तरह से, अब दोनों मैं हाफ हाफ कर लूँगी। ऊपर मैं ये सारे नट्स, ये जो मैं, आप अपनी चॉइस के मुताबिक डालें ना डालें, आपकी मर्जी। ये ब्लैक करंट्स, ये आलमंड है, ब्लैक करंट्स हैं, खोपरा है, ये सूरजमुखी के सीड हैं, ये मुझे अच्छे लगते हैं, और ये वॉलनट हैं। ये सारे मैं थोड़े थोड़े करके डालूँगी, आपको जो अच्छे लगे।
Thank you.